Hi everyone, good afternoon. And in today's class, as we started in the last week, हमने लक्ष्मीकांत के chapter wise MCQs discuss करना start किया है. So we have already discussed the MCQs of first four chapters. और आज हम जो chapter 5 है वहाँ से हम start करेंगे अपना session. लेकिन उससे पहले I would like to tell you about some of the new initiatives of Unacademy. सबसे पहले we have UPSC Civil Services 4-in-1 offer, जिसके अंडर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे चार ऑफर्स मिल रहे हैं एक साथ. सबसे पहला है प्रिंटेड नोट्स वर्थ इंडियन रुपीस 10,000. अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मिनिमम 1 ईयर का, तो उसके साथ आपको ये नोट्स फ्री मिलेंगे विच आर वर्थ इंडियन रुपीस 10,000 एंड विच आर क्रिएटेड बाय सम ऑफ द बेस्ट UPSC एक्सपर्ट्स. तो बहुत ही ये यूजफुल नोट्स हैं जो आपको फ्री दिए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के साथ. देन वी हैव मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर. इसके अंडर आपका जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है. अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अभी, दैट विल बी वैलिड टिल प्रीलिम्स 2022 एंड 2 ईयर प्लान विल बी वैलिड टिल प्रीलिम्स 2023. देन वी हैव चेज योर ड्रीम लोन फॉर UPSC सब्सक्रिप्शन. अगर आपको UPSC का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लोन का रिक्वायरमेंट है अगर आपका, तो आप यहाँ पे फॉर्म का लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपका जो भी लोन का रिक्वायरमेंट है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय दी अनअकैडमी टीम. ये जो आपको लोन यहाँ पे दिया जाएगा उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी और कोई भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं लगेगा. सो अगेन वेरी वेरी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. देन वी हैव 10% डिस्काउंट. यहाँ पे जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एंड में आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं AKB10. इस कोड को यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. सो दीज आर द 4 ऑफर्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे. देन वी हैव 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल. आज तक आपको सिर्फ 10% ऑफ मिलता था रेफरल कोड को यूज करने से, लेकिन अब एक नया लिमिटेड पीरियड ऑफर आप सबके लिए आया है जो कि सिर्फ 12th मई तक वैलिड है. यानी कि आज 10th ऑफ मई है, सो बस अगले 2 दिन तक आपका ये ऑफर वैलिड है. इसमें आपको 25% ऑफ और मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 35% ऑफ यहां पे दिया जा रहा है. आज तक अनअकैडमी ने इतना ऑफ कभी भी नहीं दिया है. दिस इज दिस ऑफर इज बीइंग गिवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सबसे पहले देखो, अगर आप GS और ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक साल का, तो पहले का प्राइस था 77,000, लेकिन इस ऑफ के बाद आपको ये पड़ेगा 57,500 का. सिमिलरली 2 ईयर प्लान आपको पहले पढ़ना था 1,12,000 का, उसका अभी जो नया प्राइस है दैट इज 83,000. तो यहाँ पे इस तरीके से आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल का भी आपके लिए प्लान है. तो आप जल्दी से 12th मई से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप इस 35% ऑफ का फायदा उठाना चाहते हैं. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली हरी अप, क्योंकि इतना ऑफ आपको बाद में नहीं मिलना चाहिए मिलेगा. दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट द सब्सक्रिप्शन. 35% ऑफ इज बीइंग गिवन टू यू. ओके, देन वी हैव इंडियाज बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक UPSC. इसके अंडर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 साल का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो पहले जो 100 स्टूडेंट्स होंगे, जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे, उनको यहाँ पे इस प्लान का पार्ट बनाया जाएगा, जिसमें डेली इन पर्सन डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा. देन मंथली AMA आस्क मी एनीथिंग सेशंस होंगे विद टॉप एजुकेटर्स. फिर UPSC इंटरव्यू होगा यहाँ पे अटेंडेड कोचेस के थ्रू. एंड देन इट इज अ कम्युनिटी ऑफ हाई पोटेंशियल एस्पिरेंट्स. सो यहाँ पे वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी अवेलेबल है. तो ये भी आपका ऑफर 12th मई तक वैलिड है. 12th मई से पहले जो भी पहले 100 स्टूडेंट्स, ये जो आपका ऑफर है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होएगा. तो ये भी 12th मई तक वैलिड है. और ये जो बैच शुरू होएगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम May 26 ऑनवर्ड्स. तो जल्दी से आप इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. देन वी हैव इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट. ये आपका हर संडे को होता है @11 AM. इसके लिए भी फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हैं. आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AKB10, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया.
इस कोड को यूज करने से आप फ्री में इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बहुत सारे फायदे आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो रैंक 1, 2, 3 होते हैं उनको 1 ईयर का UPSC प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। रैंक 4 to 10 को 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 को 50% स्कॉलरशिप एंड 51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप का फायदा यहाँ पे दिया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया ऑफर्स हैं और पूरी तरह से फ्री है इस टेस्ट के लिए एनरोल करना। तो आपको डेफिनेटली इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एवरी संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट होता है। देन वी हैव न्यू बैचेस फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ऑफ 2021, 2022 एंड 2023। आप सबके लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 12th मई से। सबसे पहले 1 ईयर बैच है जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद NCERT एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में ये बैच अवेलेबल है। देन वी हैव 2 ईयर बैच जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद NCERT एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये भी आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। देन वी हैव NCERT बैचेस जहाँ पे आपको कंप्लीट NCERT कवरेज मिलेगा और ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इनमें से कोई भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12th मई से ये बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो कोई भी प्लान आप यहां से पिक कर सकते हैं और एंड में कोड यूज़ कर लेना AKB10 जो मैंने आपको पहले बताया, उससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। राइट, सो डू सब्सक्राइब टू Unacademy, लेट्स क्रैक इट। ऑल राइट, सो वील बी स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास एंड आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है लक्ष्मीकांत का, विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इस चैप्टर से हम MCQs को आज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट विच of them is are correct using the codes given below। तो आपको यहाँ पे 3 statements दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी statement सही है। right? आपको correct statements बतानी है। सबसे पहला, the term union of states has been used in the constitution because Indian states have no right to secede। तो हमारी Indian constitution में जो आपका federation term है वो नहीं use किया गया, instead union of states term किया गया है। इसलिए क्योंकि जो आपके इंडियन स्टेट्स हैं उनको सीसीड होने का, अलग होने का राइट नहीं है। बिल्कुल सही। सेकंड, द एसके धार कमीशन प्रेफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बिल्कुल सही। यहां पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कमीशन बनाए गए थे और उनमें से एक था एसके धार कमीशन। एसके धार कमीशन ने यह रेकमेंड किया था कि रादर देन organizing the states on linguistic basis, we should organize them on administrative convenience के basis पे। right? बिल्कुल सही। Then the Congress committee under Pandit Nehru, Sardar Patel and Pitabi Sitaramaya did not favor linguistic basis for reorganization of states। बिल्कुल सही। ये जो आपकी JVP committee बनाई गई थी जिसके members थे नेहरू, पटेल एंड सीतारमैया, उन्होंने भी बोला था कि linguistic basis पे states को reorganize नहीं करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड एवरीवन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज फुल स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कौन सा है, यानी कि इनमें से जो आपको स्टेट्स यहाँ पे दिए गए हैं फुल, ये जो स्टेट्स बने हैं सबसे पहले कौन सा बना, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको बताना है। तो देखो, जो आपका नागालैंड है वो पूरा स्टेट बना था 1963 में, हरियाणा यहां पे बना था 1966 में, देन वी हैव सिक्किम जो कि था 1975 में, एंड देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश। यस, इट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन जो कि आया था आपका 1987 में। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले नागालैंड, देन हरियाणा, देन सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। ये जो ईयर है ये आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन UPSC इसमें से पूछता है। ये आपका UPSC का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो नागालैंड 1963, हरियाणा 66, सिक्किम 75 एंड देन अरुणाचल प्रदेश 1987।
7. So this is the correct answer. Then which commission made the recommendations which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the states of Punjab and Haryana? So हमारे यहाँ पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुई थी जिसने बाइफरकेट किया था आपके पंजाब को और दो स्टेट्स नए बने थे पंजाब एंड हरियाणा. तो वो कौन सा कमीशन था आपका? धार कमीशन था, दास कमीशन था, शाह कमीशन था या फिर महाजन कमीशन था? कौन सा कमीशन था इनमें से? एनी वन. विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा? दैट वुड बी शाह कमीशन. वेरी गुड. शाह कमीशन 1966, तब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा अलग किए गए और ये नए स्टेट्स यहाँ पे बने थे. सो द आंसर इज सी, शाह कमीशन. एवरीबडी प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज ऑल्टर्ड बाय. इंडिया के जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज या फिर उनकी बाउंड्रीज को हम ऑल्टर कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज फॉलोड इन ऑर्डर टू किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना? जैसे कि तेलंगाना यहाँ पे बना था, तो व्हाट इज द प्रोसेस, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है? सबसे पहला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, की जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर की जो सरकार है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहाँ पे वो देगी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद वो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नहीं, ऐसे नहीं होता. देन यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन करना है, ये जो ऑल्टरेशन करना है, वो यूनियन पार्लियामेंट करेगी. किस तरीके से? एक लॉ पास करके, बाय सिंपल मेजोरिटी. यस, ये हो गया. देन फिर यहां पे दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास करेंगे ऐसे बिल को बाय 2/3 मेजोरिटी. फिर है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड. तो आपका यहां पे सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन बी है. अगर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है, तो आपका ये यूनियन पार्लियामेंट करेगा बाय सिंपल मेजोरिटी. ये यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से नहीं होगा, ये आपका सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा बाय द यूनियन पार्लियामेंट. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ओके, सी नहीं है, ना ही डी है, बी इज द करेक्ट आंसर. सिंपल मेजोरिटी से ऐसा कोई बिल पास होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन्वॉल्व द कंसेंट ऑफ. अगर हमारे जो यहाँ पे स्टेट्स हैं, राइट, एग्जिस्टिंग कोई स्टेट है, उसमें से हमने नया स्टेट क्रिएट करना है, तो उसमें से ऐसा कुछ करने के लिए हमें किस किस का कंसेंट चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का, उस स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी वो कंसर्न्ड स्टेट है उसकी लेजिस्लेचर का, फिर प्रेसिडेंट का और फिर पार्लियामेंट का. इनमें से कौन सा कंसेंट, किसका कंसेंट हमें चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट इन इंडिया फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट? देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कंसेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए. तो यहीं से अगर हम एलिमिनेशन मेथड से चले तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट. तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जो कंसर्न है, बिल्कुल उनको ये बिल रेफर किया जाएगा. ऑल्दो बाइंडिंग नहीं है कि वो लोग जो भी यहाँ पे बोलेंगे वो हमें मानना पड़ेगा, बट डेफिनेटली उनको ये बिल प्रेसिडेंट रेफर जरूर करेंगे. फिर प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है. देन पार्लियामेंट, ऑब्वियसली भाई, वही तो सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास करेगी. सो द आंसर इज बी, 2, 3 एंड 4. वेरी गुड. सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे रोल बिल्कुल नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. वेरी गुड एवरीवन. Moving to the next question, what is the correct chronological order in which the following states of the Indian Union were created or granted full statehood? फिर से question है, आपको बताना है कि ये जो states यहाँ पे दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और हरियाणा, इनमें से सबसे पहले कौन सा state बना, फिर उसके बाद. इनमें से दो के years तो हम अभी discuss कर चुके हैं,
तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ पे बना था 1953 में. ओके, आंध्र प्रदेश आपका बन गया था 1953 में. ओके राइट, देन यहाँ पे आएगा आपका सेकंड महाराष्ट्र, वो बना था 1960 में. फिर आपका आता है यहाँ पे हरियाणा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट सेकंड, हाँ जी. देन आपका यहाँ पे आएगा 1963 एंड देन यहाँ पे 1966. ओके, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, बिल्कुल. ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, हाँ जी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिल्ली हैज बिकम नेशनल कैपिटल रीजन. दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन NCR कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया? तो यहाँ पे ये तो सबको मालूम होना चाहिए. आई विल जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. ये तो सबको मालूम होना ही चाहिए. दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन कौन सी अमेंडमेंट से बनाया गया? ये तो अभी भी न्यूज में था, सो यू शुड नो द अमेंडमेंट. एनीवन, इज इट 61st अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 79th अमेंडमेंट? व्हाट इज द करेक्ट यहां पे आंसर? ओके, यस, दैट इज 69th अमेंडमेंट एक्ट. और कब पास हुई थी अमेंडमेंट? 1991 में. सो द आंसर इज 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991. ये आपको मालूम होना चाहिए, न्यूज में रहता है ये हमेशा. सो दिल्ली बिकेम NCR बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991. इट इज नॉट 71st. बहुत बच्चे सी बोल रहे हैं, इट इज 69th अमेंडमेंट. ओके, कीप दिस इन माइंड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, दे आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे यहाँ पे 12 शेड्यूल है, सबको पता है. तो उनमें से कौन सा शेड्यूल है जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन है? इज इट फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल? एनीवन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. कौन सा शेड्यूल है जिसमें स्टेट्स और यूटीज और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट मेंशन है? वेरी गुड, द आंसर इज फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट शेड्यूल में ये सारा कुछ मेंशन है. तो फिर सेकंड में क्या मेंशन है? सेकंड में प्रोविजंस मेंशन है रिलेटिंग टू अमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस प्रेसिडेंट के, ये सब लोगों के. थर्ड शेड्यूल में ओथ वगैरह मेंशन है, सब शपथ जो ली जाती है. और फोर्थ शेड्यूल में यू नो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑफ ऑल द स्टेट्स, वो यहां पे इस शेड्यूल में मेंशन है. सो द आंसर हियर इज फर्स्ट शेड्यूल. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट बिल अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 3 के अंडर जो बिल लाया जाता है उसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स हैं. सबसे पहला, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट. कि ऐसा कोई बिल अगर आर्टिकल 3 के अंडर लाना है, वो प्रेजिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही लाया जाएगा. बिल्कुल सही, प्रायर रिकमेंडेशन यहाँ पे बहुत ही जरूरी है. देन इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. गलत है, ऐसा जो बिल है वो किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है. सो सेकेंड तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे, राइट. देन प्रेजिडेंट हैज टू रेफर सच बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर. बिल्कुल सही, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर. देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई बिल अगर लाना होता है ना, तो सबसे पहले ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी. और ऐसा कोई बिल लाने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट जरूरी है. प्रेजिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन यहां पे लेना ही पड़ेगा. उसके बाद जो आपके प्रेसिडेंट है ना, वो ये बिल उस कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेंगे और उनको कुछ टाइम यहां पे दिया जाएगा जिसके अंडर उनको अपने रिकमेंडेशंस यहां पे देने हैं. ऑल्दो ये जो इनके रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये चीज है. इसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ऐसे बिल को पास करती है. सो द आंसर इज सी, नॉट डी. नहीं, डी आंसर नहीं है. यू नो यहाँ पे जो
जो आपका ये है ना, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द बिल टू कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल सही है. दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द धार कमीशन. धार कमीशन हमारी कंट्री में बनाया गया था, उसको लेके दो स्टेटमेंट्स हैं. सबसे पहला है इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द JVP कमेटी वॉज अपॉइंटेड. दूसरा, इट फेवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर दैन ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर. देखो, सेकंड तो बिल्कुल सही है, इन्होंने लिंग्विस्टिक फैक्टर ये एक बेसिस चूज नहीं किया था फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. उन्होंने बोला था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है सेकंड. देन इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द JVP कमेटी वॉज अपॉइंटेड. नो, सबसे पहले धार कमीशन बना था आपका, उसके बाद आपकी JVP कमेटी बनी थी. धार कमीशन जून 1948 में बना था, उसके बाद JVP कमेटी बनी थी दिसंबर 1948 में, और इसके बाद आपका फजल अली कमीशन बना था. तो सबसे पहले धार कमीशन आया था, देन JVP कमेटी, और उसके बाद फजल अली कमीशन. सो इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर JVP कमेटी. नो, उससे पहले बना था ये. सो द आंसर इज B2 ओनली, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड एवरीवन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द फजल अली कमीशन. ये जो आपका JVP कमेटी है, उसके बाद फजल अली कमीशन बनाया गया था, तो आपको बताना है फजल अली कमीशन के कौन कौन से मेंबर्स थे. सबसे पहला फजल अली, जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल. नहीं भाई, गलत है. फजल अली, वल्लभ भाई पटेल एंड HN कुंजरू. नो, गलत है. फजल अली, KM पानीकर एंड HN कुंजरू. देन फजल अली एंड KM पानीकर. तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर इज सी. फजल अली कमीशन के 3 लोग थे इस कमीशन में, फजल अली, KM पानीकर एंड HN कुंजरू. सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो ये है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे आपके JVP कमेटी में थे. जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पिताभी सीतारमैया. सो इसका सही आंसर है सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फजल अली कमीशन. फजल अली कमीशन को लेके कुछ स्टेटमेंट्स हैं. सबसे पहला, इट सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट. देखो, 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर स्टेट्स को 4-fold 4-5 में क्लासिफिक किया गया था. ABCD स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को ABCD इन 4-5 में क्लासिफाई किया गया था. तो जो आपका फजल अली कमीशन था, उन्होंने रेकमेंड किया था कि भाई इस 4-fold क्लासिफिकेशन को तुम यहां पे अबॉलिश कर दो. तो बिल्कुल सही है. सो इसको अबॉलिश कर दिया गया था. स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे यहां पे पास हुई थी, तो ये इसको अबॉलिश कर दिया गया था. ये बिल्कुल सही है. सेकंड, इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट. बिल्कुल सही. देखो, ब्रॉडली आपका जो फजल अली कमीशन था ना, उन्होंने बोला ठीक है भाई, लैंग्वेज के ब्रॉडली लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इन्होंने मानी थी ये चीज, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि स्ट्रिक्टली वन लैंग्वेज वन स्टेट के बेसिस पे हम नहीं स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते. लैंग्वेज के साथ साथ हमें और फैक्टर्स को भी कंसिडर करके रखना पड़ेगा. वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी हो गया, फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो गया. तो ब्रॉडली उन्होंने बोला कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करें, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट ऐसा नहीं उन्होंने बोला था. सो इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने लैंग्वेज माना था कि हाँ भाई लैंग्वेज के बेसिस पे हम इनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना है. नो, उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बोली थी, जैसे अभी मैंने आपको बताई. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सबसे पहला, 4th जनरल इलेक्शंस इन इंडिया,
formation of Haryana state, Mysore named as Karnataka state, Meghalaya and Tripura become full states. So यहाँ पे which one of the following is the correct chronological order of the above? इनको आपको correct chronological order में place करना है. सो आपको यहाँ पे यू नो इनके ईयर्स मालूम होने चाहिए. तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा जस्ट सेकेंड, सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा हरियाणा स्टेट जो कि बना था 1966 में. फिर आपके फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुए थे 1967 में. देन आपका आता है मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम्स फुल स्टेट्स, ये आपका आएगा 1972 में. एंड देन मैसूर नेम्ड एज कर्नाटका स्टेट, ये का हुआ था 1973 में. तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट, देन फोर्थ जनरल इलेक्शंस इन इंडिया, देन आपका मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम फुल स्टेट्स, एंड देन मैसूर नेम्ड एज कर्नाटका स्टेट. सो 2, 1, 4 and 3, दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हियर. सो ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. सबसे पहला, गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987. देन दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबत. देन दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड देन दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954. तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है. गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987 बिल्कुल सही है भाई. दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबत, यस बिल्कुल सही है. दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय 56th अमेंडमेंट, यस 1987 में इनको इस अमेंडमेंट के थ्रू सेपरेट किया गया था, बिल्कुल सही. देन दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर द, नो फ्रेंच नहीं, यहाँ पे पोर्चुगीज आना चाहिए था. इट वॉज अंडर द पोर्चुगीज रूल, तो यहाँ पे फ्रेंच नहीं आना चाहिए था. सो डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. ये भी आपका यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो इस तरीके के मैंने आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं. इट वाज अ मिक्सचर ऑफ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ स्टेट सर्विसेज के क्वेश्चंस थे, आई फ्रेम्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से आ सकते हैं. आई होप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये चैप्टर रिवाइज हो गया है. अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं इन क्वेश्चंस में से, तो आप मेरी क्लासेस को अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं. पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं. लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप क्लासेस को ज्वाइन करिए और जिस भी चैप्टर में आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं. इनफैक्ट मेरी क्लास चलती है फ्रॉम 6:30 to 7:30, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, राइट. उसके अलावा 2 बजे हमारी क्लास होती है जिसमें हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो मिक्स्ड MCQs होते हैं 2 सब्जेक्ट्स के. फिर 4 बजे क्लास होती है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रम. एंड उसके बाद 6:30 वाली क्लास जिसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं फ्रॉम लक्ष्मीकांत. एंड देन होती है क्लास एट 10 to 11 PM जिसमें हम फिर से MCQs प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट. सो आई होप दीज सेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू. आई होप ऑल दीज MCQs आर क्लियर. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी. And I'll see you all tomorrow with next chapter, chapter number 6. And at same time, I'll be having the session tomorrow. So I'll see you all tomorrow. And thank you for joining everyone. Thank you.